भाई कर क्या रहे हो आप? भाई कुछ पता चल रहा है क्या? चल रहा है यार, फेस्टिवल सीजन चल रहा है भाई। जम के ऑफर आ रखे हैं, मतलब देख लेकिन रहे हो, मतलब यार क्या सस्ते प्राइस में कितने अच्छे डिवाइस आने वाले हैं ये भाई। आप लोगे, ये डिवाइस लोगे आप? भाई आप ही बता दो क्या लेना है। सबको बताते हैं ना। तो चलो कुछ अच्छे मेरे भी, कुछ अच्छे चलो आपके भी। बिल्कुल तो भाई दोस्तों, हमें इतने ऑफर्स मिलते हैं फेस्टिव सीजन में, चाहे वो आपका ग्रेट इंडियन सेल, बिग बिलियन सेल, दिवाली ऑफर, दशहरा ऑफर, नवरात्र या ऑफर, और या तो जो आखिरी में क्रिसमस 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 आने ऑफर, वाला है। न्यू ईयर ऑफर, तरह तरह के ऑफर आपको दिए जाते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये आती है कि कौन सा फोन लिया जाए, कौन सा छोड़ा जाए। यदि आपके दिमाग में भी यही डाउट है तो भाई आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। होता क्या है कि ऑफर्स देखकर इस तरह से लालच दिया जाता है कि हमारा मन करता है यही फोन हमारे लिए बेस्ट है। तो अनुज भाई सबसे पहले किसकी बात करें? पहले हम बात करेंगे 10,000 के अंदर अंदर वाले सेगमेंट की, 5-6 हज़ार से लेकर 10,000 तक कौन कौन से फोन आते हैं इस सेगमेंट में, और कौन सा आपको लेना है, कौन सा इग्नोर करना है, और किस में क्या एडवांटेज है, सब आपको बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक गिव अवे चल रहा है इस चैनल पर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप पार्टिसिपेट कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं यहाँ से, इसके बाद हम 20,000 में, 30,000 में आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो अनुज भाई पहला जो हमारी लिस्ट में नाम है वो मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स का यू एस होगा। माइक्रोमैक्स ने काफी टाइम बाद कमबैक किया है, लेकिन अच्छा फोन लाया है इस बार। सस्ते रेट में आपको बड़ी बैटरी मिल रही है। बिल्कुल 5999 आप में आपको ये मिल रहा है, बड़ी बैटरी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मीडियाटेक का MT6739 है, जो कि ठीक है प्राइस के हिसाब से। ड्यूअल 4G वोल्टी भी आपको मिल जाता है इसमें। तो एक तो ये फोन आता है माइक्रोमैक्स का, दूसरा फोन है इसी प्राइस रेंज में Redmi 6A। भाई पता नहीं यार, वो फोन जब मैंने पहली बार हाथ पे देखा था ना तो मुझे फील ही नहीं हुआ। आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो A22, और एक आता है आपका इन्फिनिक्स का स्मार्ट 2, ये आता है 5999 में। तो भाई इसमें जो स्मार्ट 2 में प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है MT का 6739। इसमें ये भी फोन आप ले सकते हो, अच्छा लेकिन है। लेकिन फिर वही है ना, जो माइक्रोमैक्स का आपको मिल रहा है उसमें वो उससे बेटर मिल रहा है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, उसमें वो भी मिल जाएगा आपको, बैटरीज की कम है वो भी उसमें बड़ी मिल जाएगी आपको। और इसके साथ साथ अभी एक फोन लॉन्च हुआ है Realme का C1, ये फोन भी आप ले बिल्कुल सकते हो। तो यार कुल मिला के यदि आपका बजट है 5999 तो आपके पास माइक्रोमैक्स का बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा सा बढ़ जाते हो तो यार 7,000 रुपए में Realme का C1 बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 450 मिल जाता है, और Realme ने बस यहां पर यार आपको फिंगरप्रिंट नहीं दिया नहीं है, दिया। थोड़ी सी कमी है। मैं आपको कहूंगा, आप अगर 7,000 तक जा रहे हो तो 8990 में Realme 2 बेटर ऑप्शन है। सही बात है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। अच्छा रेडमी 6 को आप इग्नोर कर देना, वो है इसी मतलब 7999 में है, वो मुझे फोन अच्छा नहीं लगा। इसके बाद इन्फिनिक्स के फोन आते हैं, इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो और दूसरा है इन्फिनिक्स नोट 5। लेकिन भाई इन्फिनिक्स का जो हॉट 6 प्रो है ना इसे मत लो, बिल्कुल ही इग्नोर करो। स्नैपड्रैगन 420 में आपको मिलता है उसमें, वो लेकिन 7999 प्राइस है उसका। लेकिन नोट 5 आप ले सकते हो क्योंकि यहां पर आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है 4500 mAh की, अच्छा प्राइस है। एंड्रॉयड 1 का सपोर्ट है, मतलब अगर आपको कोई फोन चाहिए एंड्रॉयड 1 वाला, वो भी कम प्राइस पे, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन्फिनिक्स का नोट 5। तो भाई इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो शाओमी की तरफ से है, Redmi का Y2। यदि आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो आप ले सकते हैं रेडमी बस का वाई टू को। बस यहां पर जो बिल्ड है ना, आपको पता है भैया प्लास्टिक शाओमी के बिल्ड है हर एक फोन एक तरह के लगते उसमें, हैं, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि भैया आपके हाथ में कौन सा फोन है। आपका क्या है कि इसका बेस्ट पोर्ट्रेट मोड है 10,000 की रेंज में, ये हम कह सकते हैं। तो अनुज भाई इस प्राइस ब्रैकेट में ऑनर के भी फोन आते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? Honor 7A भूल जाओ, Honor का 7C उसको भी भूल उसको जाओ, भी भूल जाओ आज की डेट में नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे 10 से 15 हज़ार की रेंज में, कौन कौन से फोन आपको मिलते हैं, कौन से आपको लेने चाहिए, कौन से इग्नोर करने हैं, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। पहला फोन है Nokia का 5.1 Plus, इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio P60। अगर आपकी प्रायोरिटी है एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन तो ये फोन आपके लिए बेस्ट है, बस कमी एक है इसमें, HD+ डिस्प्ले। लेकिन भाई यदि आपका बजट 11,000 रुपए है तो आपके पास एक और ऑप्शन है Asus का ZenFone Max Pro M1, क्योंकि यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 636 मिल जाता है, डिसेंट कैमरा मिल जाता है, बड़ी बैटरी मिल जाती है 5000 mAh की, और साथ में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, अच्छा ऑप्शन है। अगला कौन सा फोन है? स्टॉक एंड्रॉइड भी मिल जाता है। अगला फोन है हमारा इसी प्राइस रेंज में, वो है आपका Redmi 6 Pro स्नैपड्रैगन 625 के साथ।
तो क्या कहते हो आप भाई? Redmi 6 Pro के बारे में पता नहीं, बस उन्होंने ऊपर नॉच लगा दी है, 625 दे दिया है बस भाई। हम यही कहेंगे अगर आपके नॉच के बिना आपका काम चल जाएगा तो ये फोन आप मत लो। तो भाई अगला अगला फोन है हमारा Honor 7X, Honor 9 Lite, Honor 9N। थोड़ा सा पुराना हो गया है, थोड़ा सा पुराना है, Honor 9N नया है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये 10,000 से कम की रेंज में मिलते हैं किसी भी ऑफर में तब आप इन्हें कंसीडर कर सकते हो, लेकिन 10-12,000 से ऊपर तो इनको लेने की आप बिल्कुल मत सोचना। अब एक और फोन है जिसका हाइप बहुत ज्यादा है, वो है Realme 2 Pro। यदि आपका बजट सही है तो आप इसका 4GB वाला वेरियंट ले सकते हैं। मतलब वाटर ड्रॉप डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, आपको बैटरी मिलती है 3500mAh की और स्नैपड्रैगन 660 जो कि एक बहुत बड़ी बात है इस प्राइस पे, तो अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। तो अब बढ़ते हैं 15,000 से लेकर 20,000 वाले सेगमेंट में और देखते हैं कि भैया अब सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। तो अनुज भाई सबसे पहला कौन सा ऑप्शन है? देखो यहाँ फिर से रियलमी आ गया है सबसे पहले, 6GB वाला। बिल्कुल यार, तो यार मुझे नहीं लग रहा है कि यार 6GB वाला लेने लायक है। यदि आपको लेना है तो 4GB वाला ले लो और नहीं तो 8GB वाला ले लो। मतलब 6GB और 4GB में कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा यार। 8GB वाले में एटलीस्ट आपको ज्यादा मेमोरी मिल जाती है, USB 2.1 भी है उसमें। तो दूसरा है Redmi Note 5 Pro जो कि हमारे भाई का फेवरेट फोन है, यूज करने हैं वो, बताइए। तो यार ये अभी भी अच्छा ऑप्शन है, यदि आपको अच्छा कैमरे वाला फोन चाहिए तो आपके लिए Redmi Note 5 Pro अच्छा ऑप्शन है। आपको मेटल का फिनिश मिल जाता है, आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है 4000mAh की, और यदि आप Xiaomi से प्यार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी भी। अगला ऑप्शन कौन सा है? और अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं Asus ZenFone Max Pro 6GB रैम वाला वेरिएंट। इसका रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसमें भी डिसेंट कैमरा है, गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें ठीक होगा आपको। अगला फोन है हमारा नोकिया का 6.1 प्लस। काफी कॉम्पैक्ट ये फोन है, जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है, स्नैपड्रैगन 636 आता है इसमें। बस इसमें कैमरा लो लाइट में स्ट्रगल करता है, उसके अलावा ये फोन काफी अच्छा है। लेकिन भाई नोकिया की ब्रांडिंग है तो हमें बड़ा पसंद है, अच्छा लगता है फोन ये। तो इसके बाद कौन सा फोन यार? वीवो ने भी एक फोन निकाला है, वीवो V9 Pro, 17,990 के आसपास प्राइस है, 660 के साथ, 6GB रैम है उसमें भी, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है भाई। एक और ऑप्शन है मोटो का वन पावर, यदि आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। यहां पर भी आपको स्नैपड्रैगन का 636 मिल जाता है और यहां पर भी आपको नॉच वॉच सब कुछ मिल जाती है। देखो कैमरा डिसेंट है, सही है, मतलब मोटोरोला ने कमबैक तो किया है, कोशिश अच्छी की है, पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए कैमरे में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यार सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आता है वो आता है स्टॉक एंड्रॉयड, स्टॉक एंड्रॉयड वन पे, एंड्रॉयड वन पे बेस्ड है। टर्बो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, 5000mAh की बैटरी है, बिल्कुल इसी तरह से मोटोरोला फोन लाता रहे तो अच्छा होगा इंप्रूव कर करके। तो भाई अगला फोन कौन सा है? देखो अगला फोन है हमारा Honor Play, इसके बारे में आप क्या कहोगे? यार Honor Play अच्छा फोन है, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी, जो इन्होंने प्रोसेसर लगा दिया है 20,000 रुपए में, Kirin का 970, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन भाई जब से इन्होंने एक अपडेट दिया है ना, उसके भाई हीटिंग इशू हो रहा है, मुझे ऐसा लगा। अनुज भाई आपको भी ऐसा लगा? बिल्कुल लग रहा है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, मैंने भी भाई वीडियो बनाया था। अब देखते हैं कब तक ये सॉल्व होता है कंपनी की तरफ से। वैसे ये अच्छा फोन था इस प्राइस रेंज में, अगर इशू फिक्स हो जाता है तो रिकमेंडेशन है हमारी। लेकिन इसके बाद जो फोन है वो है पोको का F1, Xiaomi का सब ब्रांड। मतलब अब हम चलते हैं 20,000 से 25,000 की रेंज में, यहाँ पहला फोन पोको F1 ही आता है, तो कैसा लगा आपको ये फोन? भाई पोको F1 अच्छा फोन है, आपको यदि परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर चाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन बस भाई थोड़ा सा बैक साइड, थोड़ा सा डिजाइन, बस बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा डिजाइन, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और मुझे इस फोन की सबसे अच्छी बात पता है अनिल भाई क्या लगी है? वो जो IR वाला फेस अनलॉक है वो जबरदस्त है, कैमरा भी काफी अच्छा है यार, अंधेरे में फोन अनलॉक हो जाता है। उसके बाद है Huawei का Nova 3i 20,990, लेकिन यदि यहाँ पर ऑफर मिल जाए, कम में मिल जाए, तब आप कंसीडर कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी इसकी जबरदस्त है, Kirin का 710 आपको इसमें मिलता है, कैमरा भी अच्छा है, कैमरा भी ठीक है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो Snapdragon 660 से। तो भाई अगला फोन, नेक्स्ट फोन है हमारा Oppo और Vivo की तरफ से, और अभी अभी ये फोन का भी बहुत ज्यादा हाइप हुआ है, Vivo का V11 Pro और साथ में Oppo का F9 Pro। यदि आपको ज्यादा चार्जिंग वाला फोन चाहिए, मतलब वूक चार्जिंग मिलती है उसमें, अगर आपको यही चाहिए वूक चार्जिंग, तब आप ले सकते हो,
अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन Vivo V11 Pro आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन डिस्प्ले जो आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, एमोलेड पैनल मिल जाएगा। लेकिन फिर वही है, आपको कम प्राइस पे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगी जिसमें आपको स्नैपडील 660 मिल जाएगा या उसके लेवल का प्रोसेसर मिल जाएगा। तो ये है बस मतलब Vivo का। तो भाई यदि आपको सस्ते में मिल जाता है कहीं भी तो आप ले सकते हैं। लेकिन यार Vivo और Oppo की खास बात यह है कि भैया ऑफलाइन आपको मिल जाता है, ऑफलाइन मिल जाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोई फोन नहीं लेना तो ऑफलाइन में आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं यार, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, आप कहां ऑनलाइन के चक्कर में भटकेंगे। तो भाई आप इसको सीधे सीधे दुकान में जाकर ले सकते हैं। फेस्टिवल में तो आपको हर जगह ऑफर मिलेंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हाँ सभी लगे होंगे आपको नए नए ऑफर देने में। कोई चीज और बच रही है अनुज भाई? देखो एक आता है आपका नोकिया का 7 प्लस, मैं नहीं कहूंगा अभी की डेट पे इसे लेना, अब नहीं। और हमारा दूसरा ऑप्शन है Asus Zenfone 5G, बिल्ड क्वालिटी फोन की अच्छी है, स्नैपडील 845 आपको इसमें मिलता है। रुको रुको अनुज भाई, 845 तो हमें पोको में भी मिल जाता है, लेकिन जो इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो काफी आगे है पोको F1 के कंपैरिजन में। मतलब यदि आपको डिजाइन अच्छी चाहिए तो आप ले सकते हैं Asus का Zenfone 5 ग्लास बिल्ड है या, लेकिन भाई हो सकता है इस फोन का प्राइस थोड़ा सा और कम हो जाए क्योंकि यार फेस्टिवल सीजन है, सभी फोन का प्राइस कुछ ना कुछ आपको कम देखने को मिलेगा। तो अनुज भाई एक फोन आपके पास है जो अभी तक आप यूज कर रहे हैं, ऑनर का व्यू 10, इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आपको इसका प्राइस 30,000 है, इस प्राइस पे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन ऑफर में अगर आपको ये 25 के आसपास मिल जाए या उससे कम तो आप कंसीडर कर सकते हो। कैमरा इसका मुझे काफी अच्छा लगा, मैं सारी वीडियो इसी से बनाता हूँ। तो अनुज भाई आगे कुछ बच रहा है? आगे तो भाई साहब बस वन प्लस है, तो वेट कर लो थोड़ा सा, कुछ धमाकेदार मिलने वाला है, बस बहुत कुछ होने वाला है और वीडियो भी धमाकेदार मिलेगी, ऐसे ही आपको सब मिलेगा आपको। बस भाई मुझे लग रहा है सब कुछ हमने बता दिया है। यदि आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन हो, कोई फोन हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। कोई हम मिस कर गए हो फोन को या कुछ हमने गलत बता दिया हो तो आप वहां क्लियर कर सकते हैं कमेंट्स में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई के चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।